हेलो, आई एम करण दुआ फ्रॉम दिल से फूडी। आज हम एक अलग तरीके का एक ऑमलेट खाएंगे। ऑमलेट बोले तो ये जैसे पाव भाजी बनती है ना, सेम उसी तरह का है, बट एक अलग फॉर्म में ये लेकर आए भैया। उसका नाम है पापलेट। इसके अंदर ऑमलेट आ रहा है, ग्रेवी आएगी पूरी टमाटर प्याज की, और उसको साथ में हम क्या ब्रेड के साथ खाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे बन रहा है। तो ये है हमारा पापलेट। आओ भाई, आप आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम। तो ये बनाया है राधेश्याम ने। इसके अंदर ऑमलेट भी है क्या, ग्रेटेड बॉइल्ड एग भी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, टमाटर प्यूरी है, और ये इनका एंड प्रोडक्ट है। देखो क्या चीज़ है, ग्रेवी वाला ऑमलेट बोलेंगे से क्या बोलेंगे। अरे ब्रेड के साथ खाया जाता है। कितने रुपये का आइटम है? 170 रुपीज़ का। तो ये एक बंदा खा लेता वैसे? मिनिमम दो बंदे। और कितना ग्राम इसमें मक्खन डाला होगा आपने टोटल? 80 ग्राम सारा मिला के, इसके अंदर भी उसके अंदर भी। किलोमीटर एक क्वार्टर मक्खन इसके अंदर जा रहा है। आई थिंक ये कम पड़ेगा चल मेरे लिए तो फिलहाल। चलो कोई नहीं, देखते टेस्ट करके एक बार। ग्रेवी वाला ऑमलेट है ये भाई, ग्रेवी वाला ऑमलेट। मतलब ये उससे बेटर है जो हम घर पे डेली ब्रेड ऑमलेट सिर्फ बना के खाते हैं, उससे तो बेटर है। एक तरीके का ये मेन कोर्स ही है। बटर चिकन की जगह अगर छोटा वर्जन अल्लाह बोलूँ मैं, तो ये छोटा वर्जन का बटर चिकन हो गया हमारे लिए। मतलब टेस्ट, ये एक तरीके का टेस्ट पता है क्या, इसके अंदर ऑमलेट का टेस्ट भी आ रहा है, एक अंडा करी का भी टेस्ट आ रहा है। अंडा करी क्या है, इसके अंदर इन्होंने बॉयल जो एग है ना वो ग्रेट किया, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ना इसकी ग्रेवी बहुत ठीक हो गई है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये भाई ने बनाया, और सीरियसली यहाँ पर आके खाओ। क्या नाम है आपकी दुकान का? डीलक्स बटर ऑमलेट। डीलक्स बटर ऑमलेट। और कहाँ पड़ती है, कुछ एड्रेस बताओ कि कोई यहाँ पे आएगा तो कैसे पहुँचे यहाँ तक? सर ये सेक्टर 14 प्रशांत प्यार। कोई मेट्रो है पास में? रोहिणी। और ये नियर बालाजी मंदिर। नियर बालाजी मंदिर ठीक है।